संसद भवन के अंदर, नई संसद के अंदर यह पहला बजट भाषण होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यह भी अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट है, नई संसद के अंदर पहला बजट भाषण होगा निर्मला सीतारमण का। यह नई संसद है, नई संसद के अंदर वो आती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं की अगर बात की जाए, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। महिलाओं के बजट का दायरा क्या होगा, आइए देखते हैं। महिलाओं के लिए बजट की अगर बात की जाए, महिलाओं के बजट का दायरा बढ़ाया जाएगा, यह जानकारी आ रही है। नंबर वन, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना का ऐलान हो सकता है, यह जानकारी है। कौशल विकास योजना का भी ऐलान हो, यह खबर आ रही है, मतलब ऐसा हो यह मांग है, बल्कि ऐसी खबर यह कि हो सकता है। रसोई गैस और राशन की महंगाई कम हो, महिलाओं की सुरक्षा रोजगार पर ध्यान हो, लेकिन इन सभी चीजों के साथ मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ राजेश सर हैं। राजेश जी, महिलाओं की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न सिर्फ एरिया है जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इसमें हमारे देश में एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको लेकर अब शायद चीजें मूव कर रही हैं। देखिए, नारी शक्ति पर जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक रामदेई का जिक्र करना चाहता हूँ। रामदेई बदायूं के, ये काल्पनिक चरित्र है, बदायूं के किसी गांव के पास रामदेई रहती है, नून तेल लकड़ी की फिक्र करती है, उसको लड्डू पेड़े का सपना दिखाया जा सकता है, और सपना देखना तो सबको अच्छा लगता है। महंगाई, आपने जो बात की, महंगाई पर क्यों नहीं बात हो रही है? रिजर्व बैंक का डाटा है कि टॉलरेंस लिमिट जो है वो 4% तक जा सकती है, वो टॉलरेंस लिमिट है। लेकिन दिसंबर, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, रिटेल इन्फ्लेशन की, दिसंबर 2023 में 5.69% रिटेल इन्फ्लेशन है। तो ये, और आईएमएफ क्या कह रहा है, भारत को चेतावनी दे रखी है आईएमएफ ने कि आपका सरकारी कर्ज इस कदर बढ़ चुका है कि 100% जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा। इस वक्त 57.1% जो है वो कर्ज वो बढ़ा हुआ है, 155.6 ट्रिलियन रुपए का कर्ज इस वक्त भारत सरकार पर है। तो लड्डू पेड़े के सपने तो देखना हमको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और सपनों की दुनिया में रहना भी अच्छा लगता है, लेकिन इस बजट से उम्मीद ये है कि वो सपने रियलिटी में बदल जाए। आप महिलाओं की बात जहां तक है, तो महिलाओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिले, ये सबसे बड़ी उम्मीद है। और मेरा आकाश जी से भी ये सवाल होगा कि लड्डू पेड़े मिले तो अच्छी बात है, लेकिन लड्डू पेड़े बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये एक और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लड्डू पेड़े हर लेवल पर काफी बांटे जा रहे हैं। सीधा आइए, बजट से उम्मीदें क्या हैं, आइए दिखाते हैं। आप युवाओं की अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल खुले, ओके, ये बड़ा बेसिक है। सरकार बेरोजगारी भत्ता भी दे, ओ ये बड़ा मुश्किल है, अब इसका ये एक्सपर्ट्स की राय है। उच्च शिक्षा की फीस कम हो, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। गांव में स्टार्टअप की विशेष नीति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अपने आप में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी। लेकिन सीधे मैं चलूंगा, बजट से उम्मीद एक और, जरा नौकरी पेशा की उम्मीद भी देख लेते हैं। आइए दिखाइए जरा, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी क्या उम्मीद है। आयकर छूट की सीमा बढ़े, भाई मैं बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं इसके साथ। 80C में ज्यादा छूट मिले, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं इसके साथ। होम लोन पर ब्याज में छूट बढ़े, ये मैं पूरी तरह एग्री करता हूं। और होम लोन, यकीन मानिए, बहुत ऊपर चले गए, इंटरेस्ट इज वेरी वेरी स्टीप यहां पर। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 1,00,000 हो, सारी मेरी तो सारी इच्छाएं लिख दी गई हैं। LTCG पर टैक्स कम किया जाए, अब इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन सीधे मैं आकाश जी के पास आऊंगा। आकाश जी, महंगाई नंबर वन, नंबर टू, ये जो फ्रीबी है, ये फ्रीबी कहां से हिट कर रहा है कंज्यूमर को, ये उसको नहीं पता है, लेकिन हिट कर रहा है। फ्रीबी कल्चर से बचना होगा, लड्डू पेड़े तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा है, सबसे अच्छी बात यही है। इस बार फिस्कल प्रूडेंस, सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको बहुत खूबसूरती से मैनेज किया। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार की कमाई और खर्चे का गैप। तो इस बार लोगों को ये जानकारी दे दूं, सरकार की झोली में पैसा है बांटने के लिए। और जहां तक रही बात इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन अभी भी आरबीआई के, लेकिन सर ये भी तो कहा जा रहा है कि डेट बहुत ऊपर हो चुका है। डेट का जवाब देना चाहूंगा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, थैंक यू फॉर दैट। डेट हिंदुस्तान का बाकी कंपेरेबल कंट्रीज के मुकाबले में बहुत बहुत कम है। आपको लेके चलूंगा अमेरिका, जहां उन्होंने डेट सीलिंग बढ़ाई। सर हमें एक मिनट, सर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। जापान में इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन जापान की करेंसी का फॉल भी हमसे कम होता है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते सर। नहीं तो होता क्या है कि जब कंपैरिजन होता है वो तो रिलेटिव होता है, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं। पहले कोरोना रहा, 2022 तक रहा, रशिया यूक्रेन वॉर रही, इसराइल हमास इशू रहा, पुतिला, तो ग्लोबल इश्यूज है, तो कंपैरिजन तो हमेशा रिलेटिव और कंपैरेटिव ही होता है। दुनिया में महंगाई चल रही है, यूएस जैसी इकॉनमी इन्फ्लेशन से परेशान है, ठीक है।